सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनूदेव। आज हम बात करेंगे सीवान जिले के पचुकी प्रखंड के प्रमुख ऑफिस से। आज बिहार के मुख्यमंत्री का मीटिंग था जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार के पदाधिकारी जुड़े हुए थे। पूरे बिहार भर के जितने भी यूपीएससी बीपीएससी जितने भी इलेक्टेड सिलेक्टेड बॉडी थे सबको उस मीटिंग में भाग लिया और किस किस प्रस्ताव पर और पॉइंट पर विशेष करके ध्यान दिया गया चर्चा हुआ आइए जानते हैं पचुकी प्रखंड के प्रमुख साहब से। जिस प्रकार आज मुख्यमंत्री का मीटिंग था जिसमें इलेक्टेड सिलेक्टेड सभी बॉडी इसमें भाग लिया था, इसमें विशेष करके बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में और मीटिंग थी जिसमें जितने भी नवनिर्वाचित जितने भी इलेक्टेड लोग थे वो किस तरह से काम करेंगे अपने वार्ड क्षेत्र अपने पंचायत क्षेत्र अपने जिला परिषद क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इस विषय में विशेषकर मुख्यमंत्री ने मीटिंग रखा। तो आज हम बात करेंगे हमारे पचुकी प्रखंड के प्रमुख साहब तारा देवी से जिन्होंने मीटिंग में भाग ली। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले मैडम हम आपका जवान साहब का नाम जानना चाहेंगे। तारा देवी, तो जिस प्रकार आज जो मीटिंग हुआ था जिस प्रकार मीटिंग में प्रस्ताव रखी गई थी कि जितने भी इलेक्टेड बॉडी है जैसे कि वार्ड है तो वार्ड भी बहुत सारा हारे जीते हुए वार्ड जो आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है या सचिव और वार्ड में तालमेल नहीं बैठता है, जैसे मुखिया जो है वो अलग दिशा में काम करते हैं वार्ड अलग दिशा में काम करते हैं, तमाम आवेदन एक दूसरे के खिलाफ आती है बहुत सारा, जैसे कि आम जनता के आदेश पर आम जनता के दरखास्त पर जिस तरह का आप औचक निरीक्षण की हॉस्पिटल में इस प्रकार पूरी न्यूज़ चैनल पूरा मीडिया के साथ साथ पूरे जिले भर के लोग आपका मतलब कि शुक्रगुजार है कि आप इस तरह से युद्ध स्तर पर आप काम करती है। तो आज जो मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित किया गया है कि सबको मिला कर रखना है एज ए प्रमुख जो से कि वार्ड हो मुखिया हो आपका बीडीसी हो तो आप उस तरह से रखिएगा, तो अभी आप आम पब्लिक को क्या मतलब कि सजेशन देना चाहिए कि जो नवनिर्वाचित जो भी चुना हुआ जितने भी कैंडिडेट बने हुए हैं तो उनको मिलाकर और सही तरीके से अपने योजना पर काम करके लोगों को आगे बढ़ाना है, ऐसा होगा ना? हाँ, क्योंकि आगे की तरफ हम लोग उम्मीद रखें कि आपके क्षेत्र में जितने भी लोग हैं और जिस प्रकार वो 5 साल पीछे चला गया, कुछ 2 साल कोरोना लेकर चला गया और कुछ गलत कैंडिडेट के वजह से पंचायत क्षेत्र पीछे चला गया, तो आप जो पचुरखी प्रखंड के जो प्रमुख बनी हैं तो आपके माध्यम से क्या हमारे पचुरखी प्रखंड आगे जाएगी? एकदम जाएगी। अगर हम आपके पचुरखी प्रखंड में आते हैं तो क्या हम लोग भी आगे जाएंगे, हम लोग घर बनेगी? हाँ, बनेगा। इस प्रकार जब से आप प्रमुख बनी हैं हमारे सूत्र के अनुसार या पूरा हम ग्राउंड स्तर पर जाकर जो रिपोर्टिंग करते हैं तो आम जनता का कहना है कि सुबह हो शाम हो रात हो कभी भी हम जो प्रमुख साहब सिवान जिला के पचुकी प्रखंड के जो प्रमुख साहिबा है तारा देवी या उनके हस्बैंड महावीर प्रसाद इनके पास किसी भी समय हम किसी भी प्रकार के जो मदद मांगते हैं या आर्थिक सहायता हो या किसी प्रकार से ब्लॉक में योजना से रिलेटेड काम हो या कोई काम नहीं हो रहा है उसको करवा से रिलेटेड काम हो या थाना का मैटर हो या न्यायालय का मैटर हो तो आप लोग युद्ध स्तर पर आप लोग उतरते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हमेशा इस तरह से प्रोसेस बना रहेगा? हाँ। तो क्या हम अपने चैनल के माध्यम से आम पब्लिक को ये आश्वासन दे दें ये संतुष्ट कर दें कि आने वाले 5 सालों में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है तो नहीं होगी? चीज़ बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम बात कर रहे थे सिवान जिले का पचुकी प्रखंड के प्रखंड प्रमुख तारा देवी से, अब आइए चलते हैं कि जितने भी यहाँ पे बीडीसी लोग हैं वो लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं जा रहे हैं सोराला पंचायत के बीडीसी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम संजय शर्मा है, सुरवाला पंचायत क्षेत्र संख्या 12। तो क्या ये जो आप फर्स्ट बार बीडीसी के रूप में नियुक्त हुए हैं कि इसका पहले भी बीडीसी थे? नहीं, पहले बार हम नियुक्त हुए हैं। पहली बार नियुक्त हुए हैं, तो क्या जनता के बीच में आप उम्मीद जताएंगे जनता आपको बीडीसी के रूप में नियुक्त किए? जनता के बीच में तो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं, हमारे ऐसे प्रमुख मिले हैं कि इसके पहले हमें लगता है कि कोई प्रमुख इतना काम नहीं किए होंगे जितना काम मिल रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहिएगा पचुकी प्रखंड के प्रमुख साहब से, किसी प्रकार के लोभ लालच या कोई काम में रुकावट आपके नज़रिए से किस तरह की काम करती है? इसमें तो कोई लोभ लालच का बातें नहीं है, यहाँ पे आते हैं हम लोगों का काम मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं। तो आज जो मीटिंग हुआ था तो किस प्रकार का मीटिंग हुआ था? ये तो मुख्यमंत्री जी का मीटिंग था, इसमें सब नल जल योजना का यही इसी के सब के बारे में मीटिंग हुआ था। तो ठीक है, आम पब्लिक जो आपको बीडीसी के रूप में नियुक्त की है तो आम पब्लिक आपसे पूछेगी कि आज का जो मीटिंग मुख्यमंत्री का था तो वो हमको बताइए कि क्या उस मीटिंग में निर्णय लिया गया, क्या योजना आएगी, किसका क्या अधिकार है, तो उसमें क्या कुछ कहना चाहिएगा अपने क्षेत्र के लोगों को? अरे, हमारे क्षेत्र के लोगों को मान लीजिए कि जितना भी मीटिंग हुआ है इसमें मुख्यमंत्री जी सारा बताए हैं, उसी के अनुसार काम किया जाएगा। तो अभी जो है जब से आप मीडीसी बने हैं उससे कितना आपने जनता के लिए काम किए हैं?
अब तो जनता हमारा सब अगर जाइएगा तो वहाँ पे बता दे कितना हम काम किए हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब हम लोग जाएंगे तो पता चली जाएगी।